अच्छा कैसे सुना, जैसे उतर दे एक मुट्ठी खाए, दूसरे मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खा रहे थे उसमें क्या थी? आपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब सुदामा जी का घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया। टीवी में देखे होंगे जब सुदामा जी का घर को भगवान काल जी ने बना दिया, सुदामा बोले गांव में मेरी राज का सब जिंदा पूरी राज हूं। तो वे ठाकुर जी की इच्छा मात्र से ठाकुर जी रहते थे द्वारका, रहते थे पर मथुरा में, लेकिन इस समय में जरासंध और काल जब उन्हें आक्रमण किया, भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया तो समुद्र को बीच में ठाकुर का नाम हो गया श्री मदन मोहन।
कभी तो गोपियां कहती है ना, नंद लाला तुझे दिन बहुत लाली, गला घट जाती पर अच्छा हुआ तेरे को भगवान ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। तू इतने सुंदर, अगर इतने तू सुंदर, अगर लाली बन जाता ना सारा दुनिया तेरे को समझ जाता, इतने सुंदर ठाकुर जी हैं कृष्ण, इतने सुंदर है कृष्णा। जब अपना परछाई को उनने पिलर को में देखते हैं, मणि स्तंभ में कृष्ण स्वयं आश्चर्य हो जाते हैं। तद अपर कलित पूर्वक कश्च मत कारकार, कृष्ण स्वयं से भी कौन है इतने सुंदर। अगर मैं कभी राधा रानी बन जाता ना, इनको मैं आलिंगन करता हैं, तब मैं राधा रानी हूँ, कृष्ण को कौन आलिंगन करती, राधा रानी आलिंगन करती है। अगर मैं कभी राधा रानी बन जाती तो मैं कभी मैं आलिंगन करता। इसलिए कलयुग में कृष्ण ही स्वयं, कलयुग में राधा जी की भाव और अंगदान लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का वचन है, इसलिए इनका नाम है गौर हरि। क्या नाम है? गौर हरि। गौर हरि तो नाम पड़ा है, गौर मतलब गोरी राधा रानी, हरि मतलब कृष्ण है, ये दोनों मिलकर के कलयुग में श्री गौर हरि रूप में कलयुग में इसलिए उन्होंने आए हैं। इसलिए कृष्ण के बराबर जगत में कोई सुंदरता नहीं। कितना गुण हो गया? समग्र सस ऐश्वर्य सस जस स्त्री और जो पंचवा नंबर है ज्ञान। अब बताओ मैंने क्या उदाहरण दिया, कौन बोल सकता है? तुम लोग कोई याद नहीं करते, जैसे ध्यान से नहीं। हाँ देखो, जब कृष्ण गए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, अब बताओ कृष्ण गुरुकुल में कितना दिन तक रहे? 14 साल। अब विद्या जगत में जितने आर्ट्स है, जैसे कोई सीए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आर्ट, जगत में जितने आर्ट्स जगत में जितने कला है वो 64 तरह का कला है। कितने कले हैं? 64 तरह का कला है। जैसे तुम लोग संस्कृत पढ़ने के लिए आए हैं ना, संस्कृत का वेद अध्ययन करने के लिए, संस्कृत ही एक ऐसी विद्या है वो जिंदे भर पढ़ते पढ़ते संस्कृत खत्म हो जाता है, जिसका कोई ध्यान है इतने संस्कृत की विद्या। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, 64 दिन में ही सारी 64 विद्या का साधन कर लिया। इतने में क्या कर हुआ? फिर से शांति बनी मनी जब उसको पत्नी को बोले, लगता है कि कृष्ण बलराम भगवान है। क्योंकि कोई बच्चा जैसे तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, कितना साल का रहता है पढ़ने के लिए? कितने साल का रहोगे पढ़ने के लिए यहाँ पर? कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई ऐसे ऐसे रहोगे हैं जो कुछ है, लेकिन तब भी हम पढ़ाई को खत्म नहीं कर पाते। लेकिन ठाकुर जी 64 दिन में 64 विद्या पूर्ण कर लिया। बोलिए भगवान है, भगवान के बगैर ये काम को नहीं कर सकते। लेकिन परीक्षा कैसे करेंगे? अभी बच्चा बता रहा था जो दिन को रात रात को जो दिन बदल सकते हैं, जो जिंदा को मार सकते मार सकते बच्चे को जिंदा कर, है ना? इसलिए उन्होंने क्या मारा? गुरु दर्शन। हमारे बेटा है, हम समुद्र में गए थे, हमारा बेटा समुद्र की लहरों में दब गया। हाँ, उसको लेके आप गए। हाँ, ले लो। ये ठाकुर जी ने क्या किया? जमपुरी में गए जी, जमपुरी में गए, शंख बजाते हुए। हाँ, शंख बजाते हुए उससे मांगा कि जो पुत्र था वो निर्महारी से हमारे गुरु जी का पुत्र था उसको वापस कर दीजिए। हाँ, फिर जब उन्होंने मरे पुत्र को ले आए भगवान, फिर जब ये बात को कौन सुना? देवकी। देवकी को जब पता चला मेरे बेटे ने गुरु दक्षिणा रूप में जमपुरी से भी मरे हुए बच्चे को वापस लाया, बोले बेटा मेरे छह पुत्र को कल से मार था, मेरे मन में भी इच्छा है मरे हुए बच्चे को, ठाकुर जी क्या मेरे मरे हुए बच्चे को वापस ले आए। फिर द्वारका ने, फिर और एक बार कहा द्वारका में क्या हुआ? एक ब्राह्मण था, ठाकुर जी दशम स्कंद ब्राह्मण था, बच्चा जन्म होते ही क्या होता मर जाता था। एक दिन कृष्णा बलराम वसुदेव शंकर वहाँ पर अर्जुन भी बैठा हुआ था, उनने बच्चे को ला कर पटक दिया, बोले तू अधर्मी हो, कृष्ण बोले तू अधर्मी हो, इसलिए मेरे देश ने ये बच्चा जन्म ले गए। ए बच्चे ऐसे नहीं, ए नहीं ऐसे नहीं, तुम बोले तो अलग कर दो, अलग हो गए फिर बात। इसलिए उन्होंने क्या किया? बोले देखो लगता है राजा अधर्मी है, इसलिए उसका देश में क्या होता है बच्चे असल में मरते हैं, बड़े गाली गलत किया। अर्जुन बैठा हुआ उसको ताव हो गया, बोले इस बार मेरे करीब पुत्र को भी रखा कर,
तेरे पुत्र के बच्चा करूंगा। ब्राह्मण क्या बोले, तू हिगड़े तू क्या कर रहा, जहाँ पर स्वयं कृष्ण बैठे हुए, जहाँ पर सखा दाव भैया बैठे हुए, जहाँ पर बैठे हुए, जो मेरे बच्चों को रक्षा नहीं कर रहा, तू क्या रक्षा कर रहा। अर्जुन क्या बोले, बोले मैं कृष्ण बलराम नहीं प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने अर्जुन, अगर इस बार तेरे मरे हुए बच्चों को मैं रक्षा नहीं कर पाया तो सत्सर अग्नि में आहुति दे दूंगा। लेकिन एक और बच्चे जन्म होने का समय आया, ब्राह्मण भागते भागते आया, बोले जल्दी जल्दी आओ। अर्जुन आया, उन्होंने ऐसे गांडीव को लेकर ऐसे उन्हें तीर मारे, पूरा के पूरा घर को ऐसे बंद कर दिया, हवा तक भी जाने का उसमें रास्ता नहीं, और खड़े हो गया धनुष लेकर कहाँ दरवाजा पर। हर बार तो बेटा जन्म लेता था, रोता था और मर जाता था, लेकिन शरीर रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जन्म हुआ तभी रोने की आवाज आई और बच्चे समेत गाए, बच्चे समेत गाए। इतने में अर्जुन साधारण था नहीं, कृष्ण भक्त है, अर्जुन कृष्ण का सखा है, इसलिए अर्जुन बैठ गया ध्यान लगाए कि बच्चा गया कहाँ। उन्होंने अपना ध्यान से भूर भुव मोह तन तप सत्य अतल बीतल तलातल पाताल सब लोग उन्होंने छान जाना ध्यान से गया कहाँ, लेकिन वो तो इसी जगत में था ही। उनको कौन ले गए थे, नारायण ले गए थे बच्चों को, हैं। इतने में अर्जुन बोले मैं तो अपना वाणी को रक्षा नहीं कर पाया, सीता जलाओ, उसमें अपना शरीर को विसर्जन दे दूंगा। कृष्ण बोले चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। फिर अर्जुन को लेकर भगवान विष्णु के पास में गए। जब विष्णु के पास में गए, भगवान विष्णु बोले प्रभु देखो कृष्ण की कितने महिमा है, हमारे कन्या की कितने महिमा। भगवान विष्णु कहते बोले प्रभु केवल आपका रूप को दर्शन करने के लिए मैंने बच्चों को चोरी किया, आप इतने सुंदर, केवल आपको दर्शन करने के लिए आप आए हो, आपका दर्शन हो गया, वैकुंठ में आपका चरण खुली पड़ा है, इसलिए क्या उस सारे बच्चों को जितने ब्राह्मण का बच्चे मरे थे सारे बच्चे को वहाँ से भगवान कृष्ण वापस ले कर आए। इसलिए भगवान किसको कहते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकता, और रात दीप को भी जो रात को जो कब उन्होंने किया, कौन बोले कब उन्होंने किया था, तुम लोग महाभारत देखे नहीं थे, हम लोग कब क्या बोलो कौन बोलेगा, अरे तुम भूल गए हो। ये एक बच्चा है जो ध्यान से सुनता है, ये सारे प्रश्न का उत्तर ही बच्चा देता है। इसलिए जिस समय जयद्रथ ने क्या किया, जब द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचना की थी है, वो चक्रव्यूह केवल अर्जुन के सिवाय कोई नहीं जानते थे, भेद करना आना, लेकिन अभिमन्यु ने कहा मैं नहीं जानता हूँ। बोले कैसे, बोले जब मैं माँ की पेट में था सुभद्रा, अभिमन्यु की माँ का नाम क्या थी सुभद्रा, एक समय मेरे पिता माता जब शयन कर रहे थे, मेरी मैया ने मेरे अर्जुन को पूछा था ये चक्रव्यूह क्या होता है, बोले अर्जुन ने चक्रव्यूह के बारे में बताया कि इसे भेद करेगा। इतने में सुभद्रा सो गई तो देखा, जब सो गई बोलो किसको, लेकिन उस समय मैं पेट में था, उनने अंदर में कैसे प्रवेश करेगा तो बोल दिया, लेकिन वापस से कैसे आओगे ना, बोलना चाह रहे थे, उसने में किया सुभद्रा सो गई, मेरे पिताजी सुनाए नहीं। देखो गर्भ संस्कार कितना बड़ा संस्कार है, हैं, गर्भ अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए जो भगवान की कथा सुने, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, भगवान की भजन करना, वो बच्चा बड़ा भक्त बनकर जन्म लेता है। अगर पेट में बच्चे रहते हुए माता अगर डिस्को डांस देखे, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर देखे, देखना बच्चा दुष्ट बनकर आता है, वो बच्चा दुष्ट बनकर के आता है। उन्होंने गर्भ संस्कार इतने बड़े सुने कि नहीं, अंदर में तो प्रवेश कर गया लेकिन आएगा कहीं पता नहीं, वहाँ पर जयद्रथ खड़ा था, भीम उसने नहीं दिया, और अभिमन्यु मारा गया था। अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को मार नहीं सका तो मैं अग्नि में आहुति दे दूंगा। युद्ध करते करते द्रोणाचार्य ऐसे चक्रव्यूह रचना किया, कृष्ण देखा तो जाना तो बड़ा कठिन है। इतने भगवान सुदर्शन चक्र को क्या किया, कहाँ पर भेज दिया, सूर्य के पास में था, दीन में क्या कर दिया उन्होंने, रात कर दिया है। जब रात कर दिया बोले रात हो गया, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, युद्ध नियम नहीं। इतने में जय जय अगर हा हा कर ठाल अगर हंस रहा था, अर्जुन अभी दाह संस्कार करेगा मरेगा देखने के लिए, हा बात। इतने में कृष्ण क्या किया, दिन में रात कर दिया,
पर चक्र को हटा दिया तो रात को क्या कर दिया? दिन। बोले सामने शत्रु मारो उसको। वासु ने गला को उन्होंने काट दिया। बोले देखो इसको पिता का वरदान है, ये तभी मरेगा अगर जिसने इसका सर को काट के काट देगा, अगर पृथ्वी के ऊपर गिर जाए ना जो मारेगा उसका ही सर कट जाएगा, और तभी मरेगा उसको पिताजी के हाथ में उसकी जो सर है उसको पिताजी के अगर हाथ में गिरे, अगर वो बच्चे को फिर अपना आहुति दे दे तभी मर सकता है। उसको पिताजी शाम का समय में पानी में तर्पण कर रहे थे, बोले इसको ऐसे मारो गला काटो और उसका सर को लेकर इसको पिताजी के हाथ में डाल दो। वास को पिता तर्पण कर रहे थे आँख बंद करके, उन्हें बच्चा का सर गिरा तो डाला। बोले ये कौन? बोले जय जय। इसलिए भगवान क्या कर सकते हैं? दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। ये भगवान का क्या है? भगवान कौन सा गुण है बोलो? कौन सा गुण हो गया भगवान? कौन सा गुण हो गया बोलो? कहते भगवान की ऐश्वर्य ऐश्वर्य वीर जैसे ज्ञान ज्ञान, और लास्ट जो गुण है कौन सा? वैराग्य। भगवान के वैराग्य कैसे है? संपूर्ण भगवान द्वारका बने हैं। हर बच्चों के भगवान कितना रानियों से शादी किया था? 16,108 रानियों से। हर रानियों में 10-10 बेटे, एक एक बेटी थी, एक एक बेटी थी, लेकिन भगवान स्वयं सृष्टि की और उन्होंने जदुवंश को खत्म करा दिया। भगवान ने क्या किया? जदुवंश को उन्होंने खत्म करा दिया, और खत्म करा तो भगवान जगत छोड़कर चले गए। जब रासलीला हो रही थी, कृष्ण जब बंसुरी बजाए, सब ब्रज गोपियाँ आई वहाँ पर, लेकिन आने पर भी ठाकुर बोले अच्छी बात हो, तुम पतिव्रता नारी हो, पत्नी का कर्तव्य है, भले ही पति लंगड़ा लूढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पति के लिए पत्नी ही, पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है, जाओ पति की सेवा करो, आए वृंदावन को शोभा देखो और वापस चले जाओ। लेकिन ठाकुर जी हाँ, लड़की और लड़के कितने पूरे मतलब जोड़ के कितने हुए संख्या? पर 56 कोटि जदुवंश जैसे तो बोलते हैं, लेकिन कितने हमारे जोड़ कर तुम बोल निकाल 56 कोटि। इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान सब कुछ रहते हुए सुंदरता सब कुछ रहते, ठाकुर ने क्या किया? जाओ घर में वापस जाओ, अपना पति की पत्नी के लिए पति की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पर देखो ठाकुर में कितने वैराग्य है, इतने सुंदर से सुंदरी कौन ब्रज गोपियाँ बताए? कितना सुंदरी बताए? कितना सुंदरी? हाँ सुन लो, कहते कितने सुंदरी गोपियाँ हैं, राधा रानी कितने सुंदरी। बोले ये पृथ्वी में जितने स्त्री हैं, पृथ्वी में जितने स्त्रियाँ हैं, कहते इनकी सुंदरता को एक कर लो, सुंदरता को एक कर लो, फिर किसको साथ में बराबर होता है? कहते स्वर्ग में एक अप्सरी को साथ, जो सुनते हैं ना कौन है अप्सरी, स्वर्ग अप्सरी कौन है? रंभा, उर्वशी, मेनका, मतलब इतने सुंदरी स्वर्ग में। कहते स्वर्ग में जितने सब रंभा उर्वशी मेनका जितने सुंदर स्त्री, कहते उनकी सुंदरता को एक कर तो कहते एक लक्ष्मी की बराबर होती है, एक वैकुंठ में जो लक्ष्मी रहती है उनकी बराबर। कहते एक लक्ष्मी ने अनंत करोड़ लक्ष्मी, कहते इनकी सुंदरता को एकत्रित करो ना, कहते एक गोपी को साथ में बराबर। किसको साथ में? इतने सुंदरी गोपियाँ, इसलिए कृष्ण का तो सुमध्यमा जिनको संबोधन करते हैं, सारे गोपियों की सुंदरता को एकत्रित करो ना, किसको साथ में बराबर होगा? राधा रानी के साथ में। इतनी राधा रानी सुंदर है, बोले श्री राधा रानी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान इतने सुंदरी गोपियाँ राधा रानी रहते हुए जिनके पर तो कोई आसक्ति नहीं, इनकी कोई आसक्ति नहीं, जहाँ पर कामदेव आता है युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान कामदेव को भी परास्त करते थे। इसलिए जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य हो उसको कहते हैं भगवान, ठीक है ना? याद रहेगा ना, किसको याद रहेगा? यही अच्छे तरह सुन, इस श्लोक को तुम लोग लिख लेना है ना, लिख लोगे ना तुम्हारी, जैसे तुम लोग भविष्य तुम तो ही करोगे ना, जाकर भागवत कथा करोगे, हैं जाकर के कहीं कथा ठाकुर कथा सुना के ब्राह्मण बच्चे, और क्या करोगे? भगवान कथा बोलोगे, नहीं तो कोई पंडिताई करोगे, यही तो करोगे ना। लेकिन अगर तुमको सब याद रहेगा ना, फिर तुम लोग कभी ठगोगे नहीं कभी, और हर व्यक्ति को तुम समझा पाओगे, नहीं ये भगवान नहीं, भगवान तो हमारे कन्हैया आए, भगवान तो हमारे राम है, भगवान हमारे श्री नारायण है, नहीं तो क्या होगा ना। हम भी जैसे कहते भेड़ चाल होता है ना, भेड़ चाल जानते हो? भेड़ चाल किसको बताओ तो क्यों कहते हैं आप? जैसे जब भेड़िया चलती है
अगर कोई पानी आ जाए ना सहज में तो ऊपर में नहीं जा सकते। और जो भेड़ चराने वाले क्या करता है, वो एक भेड़ को उठा करके पानी में फेंक देता है। जब फेंक देता है ना फिर कुछ करने का जरूरत नहीं, सब भेड़िया एक आकर कूदना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं भेड़ चाल, इसको कहते हैं क्या चाल है, भेड़ चाल। इसलिए भेड़ चाल में नहीं फंसनी चाहिए। हमारी गीता रामायण भागवत जो कहता है हैं, इसी बात को हमें विश्वास करके चलनी चाहिए। कथा कभी तो इधर उधर कोई व्यक्ति आकर कुछ बोल दिया, हाँ वो भी मुंडी हिला रहे, हम भी मुंडी हिला दी, बोला हाँ सही नहीं, हम देखेंगे हमारे रामायण गीता भागवत क्या बोलता है। अगर उसी के हिसाब से अगर कोई हो करके हमको मानने के लिए हमें स्वीकार करनी चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। आज तो प्रश्न उत्तर में समय चला गया, कितना हो गया, हाँ इसलिए हाँ और 5 मिनट दे दो, ठीक है 5 मिनट। हम लोग ये श्रवण करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, चैतन्य महाप्रभु, हम चाह रहे थे कि जैसे हम भगवान की यहाँ भी खड़े करके चैतन्य राधा कृष्ण के पास, किसी किसी मन में प्रश्न होते हैं, अरे भगवान तो हमारी राधा कृष्ण है, ठाकुर जी है, फिर ये महाप्रभु क्यों यहाँ खड़े भी करते, ये कौन होते हैं। इसलिए अब लोग कभी जब भागवत पूरा पढ़ोगे, एकादश स्कंध में एक आता है नेपी नव जोगेंद्र संवाद, नाम सुने हो, नेमी नव जोगेंद्र संवाद, जहाँ पर श्री नेमी महाराज, जहाँ पर नेमी महाराज के दरबार में कहते हैं नव जोगेंद्र आते हैं, कवि हवि अंतरिक्ष प्रभु द पपलायन सब आते हैं, उसमें उन्होंने प्रश्न किया था, नौ को उन्होंने 9 प्रश्न किया था, उनने एक को एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न था, तुम लोग अच्छे तरह से सुन लो, कल मेरे को बोलना, उन्होंने ये प्रश्न किया था, कलयुग में भगवान कौन है, कलयुग में भगवान कौन है, और वो भगवान को उपासना कैसे किया जाए। कभी अगर पढ़ोगे तुम लोग आएगा देखोगे हैं, कलयुग में भगवान कौन है और उनको उपासना कैसे करनी चाहिए। जब उन्होंने प्रश्न किया उसमें नव जोगेंद्र ने 3 श्लोक उन्होंने कलयुग में भगवान किया है और उनको उपासना कैसे होगी, उन्होंने 3 श्लोक वहाँ पर बताए। आज हम 1 श्लोक सुनते हैं, उसमें 1 श्लोक अब हो सकते याद कर लेना, बोले कृष्णा वर्णम शिशाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेध से। श्लोक कोशिश करना, बहुत बढ़िया श्लोक है, हैं देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं कृष्णा वर्णम, जैसे कृष्णा कितने वर्ण इसमें हैं, 2, एक क्री और एक है ना, बोले जो कृष्ण हैं कहते जिनको जिह्वा में हर समय हो क्या करेंगे, कृष्ण जैसे बोल रहे थे ना, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही महावीर, तुम लोग आरती गाते को भी गाते ना, बोले जिस जो जिह्वा में हर समय कृष्ण का ही नाम को लेगा है, वो अगर बोलेगा नहीं मैं ही भगवान मेरे को पूजा करो, नहीं वो हर समय कृष्ण भक्ति की शिक्षा देगा, इधर उधर की जो शिक्षा कभी जीवों को नहीं देगा भगवान होते हुए भी, लेकिन नाम किसका ग्रहण करेगा, भगवान कृष्ण को ही नाम जो ग्रहण करेगा। बोले तिशाम, तिशाम मतलब होता है अंगकांति, जिनका रंग, बोले उनका रंग कैसे होगा, बोले अकृष्ण, बोले कृष्णा नहीं, कृष्ण मतलब क्या होता है काला, कृष्ण हम कहते ना कृष्णा, कृष्ण काले ना कृष्ण कहते हैं, कृष्ण मतलब होता है काला है, बोले अकृष्ण, अकृष्ण मतलब जो काला नहीं, फिर क्या, बोले गौरव, हम बताएंगे ना जो ये जो बच्चा है ना वो काला नहीं है, फिर काला नहीं तो फिर कौन है, गोरे, हम बोलते हैं ना देखो ये जो थे वो काला नहीं, फिर काला तो उल्टा क्या है, गोरा है, इसलिए कहते हैं अकृष्ण मतलब जो काले नहीं है, क्या रंग उनकी गोरे वर्ण है, इसलिए महाप्रभु कैसे है गौर वर्ण के, बोले कृष्णा वर्णम तिशाम अकृष्ण, कहते क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं भगवान अकेले नहीं आते, जैसे कृष्ण आए राधा रानी भी आए, उनको ग्वाल बाल भी आए हैं, उनकी सखियाँ भी आए, उनको पिता माता भी आए हैं, कहते वो क्या कलयुग में अकेले आएंगे, बोले नहीं अकेले नहीं आएंगे, भगवान अपना भक्तों को लेके, जैसे भगवान राम आए अकेले आए, राम आए मैया सीता भी आई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी आए, श्री कहते पर श्री दशरथ महाराज भी आए, कौशला कैके भी आए, आएगी नहीं, वो अकेले नहीं आए, कहते उसी तरह जो भगवान कलयुग में
वो कहते भगवान कलयुग में अकेले नहीं आएंगे, तो उनको साथ में बोले सांग, बोले उनकी जो अंग है जैसे कौन है बलदेव, बलदेव सांग अपना जो अंग है, कहते ये कौन है श्री बलदेव प्रभु भी साथ में आएंगे। तो अद्वैत आचार्य तुम लोग नाम सुने होंगे कितना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्तवृंद, बोल सुनते ना तुम लोग ने, कहते ये कहते नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात श्री दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु, बोले ये अद्वैत आचार्य कौन, जो गोपीश्वर महाप्रभु देख रहे हैं ना, इनका एक रूप सदा सिद्ध।